हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक राय आप सभी को यूपी टेट की तैयारी करा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक खुशखबरी कि मैं यूपी टेट 2018 की तैयारी अब रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करूँगा। हम लोग शुरू से जानेंगे कि यूपी टेट क्या है। पहले उसका बेसिक नॉलेज आज मैं दूंगा आप सभी को, फिर आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में या इस एग्ज़ाम के बारे में जो इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। ओके, तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कई प्रश्न पूछे थे जिसका आशा करता हूँ आप सभी ने उत्तर दिया होगा, ठीक दिया होगा। और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं, मेन फोकस करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि मेन यूपी टीटी यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 जो है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कब होगा एग्ज़ाम, हमारे पास कितना टाइम है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, उस पर आज हम लोग फोकस करेंगे। तो हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है, एक एजुकेटर होने के नाते, एक आपका टीचर, एक आपका मित्र, एक आपका सहयोगी होने के नाते इतना आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेट 2018 यानी कि यूपी टेट 2018 हमारा जो मेन फोकस रहेगा पूरे स्टडी प्लान में, पूरा जो भी स्टडी होगा रेगुलर बेसिस पे वो रहेगा मेन हमारे यूपी टेट 2018 पे। तो हमारा जो एग्ज़ाम होगा आप सभी को पता है कि 30 अक्टूबर 2018 को होगा। ओके, तो नियरली हमारे पास लगभग 2 महीने हैं यानी कि 60 डेज़ या 55+ डेज। तो इसमें हमारा जो स्टडी प्लान रहेगा क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसको हम लोग आइए देखते हैं। तो जो टेट एग्ज़ाम है ये सभी को पता होगा कि जो प्रश्न पत्र होता है वो 5 खंडों में विभाजित होता है, ठीक है। और आपको सभी को ये मैं बता दूं कि हमारा जो मेन फोकस रहेगा पूरे स्टडी प्लान में पूरे में वो रहेगा पेपर 1 यानी कि क्लास 1 टू 5 में। ओके, तो लेकिन जो मित्र हमारे 6 टू 8 के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं और वो सोचेंगे कि अब मेरा तो यहाँ कोई काम नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो मनोविज्ञान है और जो पर्यावरण है ये दोनों मेनली फोकस मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। मेन फोकस आपका जो है मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ये चाहे 1 टू 5 आप देख लीजिए चाहे 6 टू 8 देख लीजिए, सबका सिलेबस सेम होता है और मैं जितना पढ़ा दूंगा बस उतना आप पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो हमारा जो स्टडी प्लान है वो है कि टेट में 5 खंड होते हैं, 5 खंड होते हैं टेट में, हर एक खंड में 30-30 प्रश्न होते हैं, टोटल 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, कोई नकारात्मक अंक नहीं प्रदान किए जाते गलत प्रश्न पर। तो पहला खंड होता है बाल मनोविज्ञान का यानी कि जो बाल विकास और शिक्षण विधि का रहता है, दूसरा खंड होता है भाषा, दूसरा और तीसरा खंड भाषा का रहता है और मेरा मेन फोकस रहेगा पहले पे हिंदी और इंग्लिश, हम संस्कृत के बारे में यहाँ पे नहीं बात करेंगे। उसके बाद है हमारा गणित और आखिरी में पर्यावरण अध्ययन। ये हमने देख लिया कि प्रत्येक खंड में 30 प्रश्न होते हैं और सभी के लिए 30 अंक निर्धारित होते हैं यानी कि एक प्रश्न पे 1 अंक निर्धारित होता है और इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं प्रदान किया जाता है। अब ये हमने देखा कि सीटेट, अगर मित्र तैयारी हमारे जो आप लोग कर रहे होंगे तो ये पता होगा कि 30 प्रश्न में सीटेट में 15 पैडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र और 15 फैक्चुअल चीज़ें या तथ्यात्मक चीज़ें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछी जाती हैं। तो लेकिन इसके विपरीत या इससे थोड़ा सा अगर टेट यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका अगर आप एनालिसिस करेंगे उसको देखेंगे तो इसमें
आप पाएंगे कि लगभग 5 प्रश्न शिक्षण विधि के होते हैं और बाकी जो 25 होते हैं प्रश्न वो हमारे फैक्चुअल या तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो मेन आपको फोकस करना है आपके फैक्चुअल या तथ्यात्मक प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कोई चीज़ सॉलिड होती है, जैसे अरस्तु साहब का कथन है कि जो अरस्तु साहब कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, या आप बस इतना ही देख लेंगे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ये तो फैक्ट है ना, ये तो एक्चुअल चीज़ है, ये हटेगी नहीं, ये हमेशा रहेगी, तो ये फैक्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और मैंने जितना भी एनालिसिस किया पेपर का, तो मैंने ये देख पाया है पेपर में कि जो पेपर होता है उसमें कुछ खंड ऐसे हैं, जैसे आप देख लीजिए पर्यावरण देख लीजिए या शिक्षण शास्त्र देख लीजिए अपना बाल मनोविज्ञान, उसमें क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, गणित में भी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, या ये कह लीजिए जो टॉपिक होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि इसी टॉपिक से मतलब वही टॉपिक से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, एक प्रश्न आए चाहे दो प्रश्न आए वो आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो इस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा और मेन फोकस हमारा पर्यावरण अध्ययन पे रहेगा, क्योंकि ये हमको सॉलिड नंबर देके जाएगा और इसको हम लोग एज अ जीके हमारा जीएस का पार्ट समझ सकते हैं, जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो हमारा तैयार रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, मैंने पहले बता दिया कि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो पेपर वन यानी कक्षा 1 से 5 तक रहेगा। आइए पहला पेपर हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधि में पहला टॉपिक हम लोग कंसीडर करेंगे शिक्षा एवं मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान, फिर उसके बाद बाल विकास एवं उसकी अभिवृद्धि, बालक के विकास, बालक का विकास, बालक की वृद्धि, उनका समानता क्या है उसमें असमानता या उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएँ एवं इनसे जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं, बाल विकास की अवस्थाएँ वहीं जो भी अवस्था है जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मेन फोकस हमको ये 3 अवस्था पे करना है और इससे जुड़े हुए सिद्धांत विकास के। अगला टॉपिक चौथा है बुद्धि, उसके प्रकार, सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण। फिर हमारा है अधिगम और उसका सिद्धांत। छठवां पे है जो 6th टॉपिक है हमारा, वो व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व का परीक्षण पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अभी प्रेरणा। 8th है संवेग। 9th है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक और 10वें में अन्य महत्वपूर्ण विषय को हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसे कि NCF 2005, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, RT 2009, समावेशी शिक्षा और मूल्यांकन, लिंग आदि। तो मित्रों, ये हमारा पहला टॉपिक है और इसको हम लोग होपफुली यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कल से हमारा ये 1x1 वीडियो आता रहेगा और आप लोग पूरी मेहनत के साथ लगे रहिए, 2 महीने हैं और यही 2 महीने में हम लोग को जो मेहनत करना है करना है और इसी में हमको निकालना है, ये बस आप याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू और आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।